की शोर का ग्लूकोमीटर है, सिंपल के नाम से आता है। इसमें ट्रिपल ए बैटरी होती है। सिंगल सेल पड़ेगा, एक सिंगल सेल पड़ेगा, एक सेल दिखाइए। हाँ ये सर, ठीक है। उसके बाद इसमें आप स्ट्रिप लगाएंगे, ये स्ट्रिप है। जैसे इसमें स्ट्रिप लगाएंगे, इसमें एलईडी लाइट जलेगी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। इस बटन को प्रेस करके ये फास्ट में चला जाएगा, सुबह खाली पेट की जो अपनी शुगर चेक करता है। फास्ट और नॉर्मली ऐसे ही लगा के करोगे, नहीं बटन प्रेस करोगे तो रैंडमली शुगर ये से अपनी मेमोरी में सेव करेगा। 1000 मेमोरी स्टोरेज है इसकी अपनी, है ना। और इसके अलावा कीटोन्स वार्निंग भी है इसके अंदर, है ना। जो बॉडी के अंदर कीटोन्स जो बॉडी में कीटोन्स ब्लड के अंदर ज़्यादा शुगर लेवल होने के कारण होते हैं, तो उसकी वार्निंग बताएगा। अच्छा, ये इसकी स्ट्रिप यूज हो गई ब्लड लगाकर, तो इसको हाथ से पकड़ के खींचने की जरूरत नहीं। इसमें ये बटन है, ये बटन हम जैसे ही ऊपर करेंगे ये स्ट्रिप बाहर हो जाएगी, उसको टच करने का मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है। इसकी स्ट्रिप की एक्सपायरी आफ्टर बॉक्स ओपनिंग 6 मंथ है, जबकि नॉर्मली सबकी जो होती है 3 मंथ वगैरह होती है। तो मशीन की लाइफ टाइम वारंटी है। हाँ, मशीन की लाइफ टाइम वारंटी है। कभी खराब होगी तो चेंज हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। नई मशीन चेंज, नई मशीन सीधा चेंज जी। इसमें मेमोरी कितनी है? 1000 मेमोरी स्टोरेज है। मेमोरीज वगैरह है, जैसे आपने ये देखा, इसमें मैं आपको दोनों चीज दिखाता हूँ। इसमें एक तो स्माइली बना हुआ आएगा, जैसे ही आप इसमें यूज करते हो तो आपका हाई है या लो है, उसके साथ इसके फेस के पोजीशन भी चेंज होते रहेंगे स्माइली। और साथ में जैसे शुगर हाई है 123 है किसी का, नॉर्मल में जनरल में तो हाई लिखा हुआ आ गया। उसके बाद जैसे देखिए 263 है किसी का, डायबिटिक पेशेंट है, इनका कीटोन बढ़ा हुआ है, तो ये कीटोन दिखा दिया, कीटोन वार्निंग का आ गया, इसमें सिंबल बना हुआ है। तो इस तरह से इसमें आएगा। जैसे ये देखिए 509 है किसी का, इसमें भी कीटोन का दिखा रहा है कि इनका कीटोन बढ़ा हुआ है। कीटोन ये किडनी को डैमेज करता है हाई शुगर वालों को, तो अगर ये सिंबल आ रहा है तो उनको जाके अपना कीटोन चेक कराना पड़ेगा लैब में, ताकि वो उसको मेंटेन कर सके, अदरवाइज वो किडनी को डैमेज कर देगा। तो ये सारी हैं जिसे अभी ये सारे आ रहे हैं। ये फास्टिंग का है, तो यहाँ सिंबल भी बनाया गया कि हमने फास्टिंग मोड में किया था, ये जनरल मोड में किया था, जनरल का सिंबल आ रहा है। उसी तरह से इसमें सारे मोड हैं जो हम जिसमें करना है हमें, हम उसमें करके इसको कर सकते हैं। अब देखिए किसी का 65 लो आया, लो आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, रोता हुआ चेहरा है कि ये भी डेंजर लेवल में है कि लो है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं साथ में। प्लस एक होता है एवरेज होता है, दे मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी HbA1 होता है, जिसे हीमोग्लोबिन बॉडी का होता है, वो देखने के लिए इसमें 7 दिन 14 दिन 21 दिन का हीमोग्लोबिन भी चेक कर सकते हैं। इसमें एवरेज बताएगा आपको, जो आप शुगर चेक करोगे कंटिन्यू तो उसका एवरेज बताएगा। जैसे ये 7 दिन का 105 है, 14 दिन का 99 आ जा रहा है, 21 दिन का भी 99 पे दिखा रहा है। ये इसी हिसाब से दिन के हिसाब से, जैसे 60 दिन का 152 के हिसाब से आ रहा है, 90 दिन का 152 के हिसाब से, तो ये भी हाँ HbA1c बोलते हैं इसको, वो ये दिखाता है कि आपका बॉडी का जो शुगर आप चेक करो कंटिन्यू इतने दिन में आपका ये एवरेज चल रहा है उसका, वो भी ये शो करता है। बाकी LED के साथ किसी का आता नहीं, LED लाइट में जितने भी आते हैं सब नॉर्मल डिस्प्ले में आते हैं।